हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पाकी के। बेबी मसाज करने से पहले कुछ तैयारियां जो हमें कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आप बेबी मसाज करते हुए बार बार उठकर जाते हैं तो इससे बेबी और आप दोनों अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे बेबीज के गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 बातों के बारे में बताऊंगी जो आपको बेबी मसाज करने से पहले करनी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मसाज करने से पहले आप बेड या फर्श में जहाँ भी आप बेबी को मसाज देंगी वहाँ एक तौलिया बिछा दें, ताकि मसाज के टाइम एक्स्ट्रा ऑयल तौलिया से साफ हो जाए। रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर को इक्वल रखने की कोशिश करें। अगर समर सीजन है तो रूम टेम्परेचर ठंडा रखें, और अगर विंटर्स का सीजन है तो रूम टेम्परेचर को गर्म रखें, बिकॉज मसाज के समय बेबी जल्दी ही गर्मी महसूस करने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। मालिश करते समय जिस रूम में आप मालिश करें वहां फ्रेश एयर एंड नेचुरल लाइट आने दें। मालिश के लिए वही तेल यूज करें जो स्पेशली बेबी के लिए होते हैं। बेबी की मालिश आप डायपर पहनाकर या बिना डायपर दोनों के कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप बेबी की मालिश करें तो डायपर पेट से थोड़ा सा ढीला हो। सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।